अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैजी किचन। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ भरी हुई मिर्च, जो बहुत टेस्टी लगती है खाने में। अगर कभी खाने का मन नहीं होता हमारा सब्जी उब्जी, तो हम इसको बना लें मिर्ची को, और दो रोटी की जगह 3-4 रोटी आप खा लेंगे, इतनी टेस्टी लगती है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। देखिए, हमने 200 ग्राम हरी मिर्च लिया है। इधर मैंने तीखी वाली हरी मिर्च का यूज़ नहीं किया है, ये मोटी वाली, ये कम तीखी होती है, हमने इसका इस्तेमाल किया। यहाँ पे ये 200 ग्राम हमने हरी मिर्च लिया है। इधर देखिए, हमने कुछ मसाले लिए हैं, जिसमें हमने लिया ये ज़ीरा पाउडर 1 छोटे चम्मच से, 1 छोटे चम्मच से गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, ये 3 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 2 या 2.5 चम्मच नमक है, नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, वो तो हम टेस्ट कर लेंगे कम ज़्यादा है कैसा है। इधर हमने 3 छोटे चम्मच से आमचूर पाउडर लिया है, इसको हम डालेंगे, इसके डालने से हमारी मिर्ची का टेस्ट और बढ़ जाता है। देखिए, इधर हमने एक बाउल लिया है, इसमें हम सारे मसाले को डालेंगे जो कुछ हमने लिया है। यह आमचूर पाउडर जो हमने लिया है, इसको भी हम डालेंगे। थोड़ा सा हमने मस्टर्ड ऑयल लिया, इसको गरम कर लिया हमने, इससे धुआं उठने लग गया है। मस्टर्ड ऑयल डालने से टेस्ट अच्छा लगता है हमारी मिर्च का। आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप मस्टर्ड ऑयल ही डालें, हमने यहाँ मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। अगर आप आमचूर नहीं डालना चाहते तो आप आमचूर की जगह नींबू एक निचोड़ सकते हैं इसमें, उससे भी टेस्ट हमारे मिर्ची का बहुत अच्छा आएगा मसाले का। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए, सारे मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये मसाले सारे हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं, इसको हम एक साइड में करते हैं। अभी ये हमने मिर्ची जो लिया है, मिर्ची में हम एक कट्स लगाएंगे, ऐसा कट्स लगाएंगे ये नीचे वाला हिस्सा हमारी मिर्ची का नहीं कटे, क्योंकि इसमें हम मसाला भरेंगे और इसके अंदर के बीज भी हमें नहीं निकालने हैं। ऐसे ऐसे करके हम सारी मिर्ची में कट्स लगा लेंगे। सारी मिर्ची में हमने कट्स लगा लिए हैं, अब इसमें हम मसाले को भरेंगे मिर्ची में। इसको हम हाथ से अच्छे से करेंगे ताकि अच्छे से अंदर तक मसाला फिल हो जाए। देखिए, सारे मिर्ची को हमने फिल कर लिया है, अब इसको हम फ्राई करेंगे। इधर हमने एक पैन रखा है, पैन में भी हमने मस्टर्ड ऑयल ही डाला है। मस्टर्ड ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसे धुआं उठने लग गया है, तो अब हम मिर्ची को डालेंगे। देखिए, सारी मिर्ची को हमने पैन में डाल दिया है, अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक पकाएंगे। ज़्यादा हमें नहीं पकाना है मिर्ची को, ज़्यादा पक जाती है तो अच्छी नहीं लगती, थोड़ा कच्ची और पकती रहेगी तो अच्छी लगेगी। इसको हम ढक के बस 2 मिनट तक पकाएंगे। देखिए, 1 मिनट हो गया है, 1 मिनट हम इस साइड से पकाएंगे, दूसरी साइड से 1 मिनट पकाएंगे। देखिए, एक तरफ की मिर्ची हमारी हो गई है, इसका कलर चेंज हो गया है। ऐसे हम पलट के एक साइड से दूसरी साइड से 1 मिनट पकाएंगे। देखिए, 1 मिनट हो गए हैं, दूसरी साइड से भी हमारी मिर्ची हो चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करते हैं। ये हमारी मिर्ची भरी हुई बनके तैयार है फटाफट 2 मिनट में, अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। देखिए, भरी हुई हरी मिर्च बनके तैयार है फटाफट,
बन गई है ये, 5 मिनट भी नहीं लगा इसको बनाने में। आप भी इसको ज़रूर बनाएं। अगर ये मेरी रेसिपी आसान सी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।